ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला।